हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल इमली के अपकमिंग एपिसोड की। तो कहानी में दिखाया जाएगा कि इमली सूर्या से कहती है कि मैंने डॉक्टर से बात करी है, उन्होंने कहा है अब मालती जी खतरे से बाहर हैं, उन्हें जल्दी ही कुछ देर में होश आएगा। त्रिपाठी यहाँ सूर्या को कॉल करता है, इन्फॉर्म करता है कि गोविंद और सोनाली यहाँ पर इमली की बेल चाहते हैं, हमें तुम्हें बताना चाहिए। गोविंद और सोनाली घर लौटते हैं और दादी जी से कहते हैं कि कोई भी नहीं जानता इमली कहाँ है। सूर्या कहता है कि पुलिस स्टेशन पहुँचो इमली के साथ बस। दादी कहती हैं लेकिन तुम लोग हो कहाँ। सूर्या यहाँ पर इमली को एक पुराने से घर में ले जाता है। इमली कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वो कहता है कि क्योंकि तुम्हें इस टाइम अपनी बहन के साथ रहना चाहिए। सूर्या ये कहता है लेकिन अम्बा उसे मालती से मिलने नहीं देती और वो उसे वहाँ से हटाने के लिए कहती है। इमली कहती है क्यों। तभी सूर्या चिल्लाता है क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही ने रघु को मारा और तुम ये सच एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी और ये पनिशमेंट है कि तुम अपनी जॉब और अपनी फैमिली को तुम्हारी वजह से मैं खो चुका हूँ और मैं अब तुम्हें बर्बाद कर दूँगा और मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूँगा। इमली कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही अंदर से खोखली है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर शांति है। और वैसे भी मैंने तो बचपन में ही अपने पेरेंट्स खो दिए थे, अपनी बहन को जवानी में खो दिया और मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ गरीबी में बिताई है। अगस्त्या बाबू से शादी हुई, मुझे लगा था मेरी लाइफ सेटल हो गई लेकिन वो भी गुजर गए। मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पर थी और अभी तक मैं यही कर रही हूँ। लेकिन तुम बदले में क्या चाहते हो। बेल, रघु यहाँ पर शिवानी को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, मैंने सिर्फ उसको प्रोटेक्ट किया। मोंटी ने रघु को मारने की कोशिश की और मेरे पर ब्लेम लगा लिया। रघु यहाँ पर रिटर्न आ चुका है और मोंटी को भी मार चुका है। सूर्या कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन सारी बातों का विश्वास करूँगा। दादी यहाँ पर सूर्या को बुलाती है और कहती है कि कहाँ है इमली। मुझे पता चला है इमली के सच के बारे में, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इमली को समझ ना पाने के लिए। मैं इमली से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि वो दोनों हाथ जोड़ लेती है। तभी वो इमली से कहती है लेकिन तुम इतने टाइम से ये सब कुछ चुपचाप सहती क्यों रही और क्या तुम मुझे माफ़ करोगी। गोविंद कहता है इमली लगातार तुम लोगों को माफ़ कर रही है लेकिन अब आपने हमेशा उसके साथ नाइंसाफ़ी की। अगस्त्या ज़रूर आप सबको देख रहा होगा, परेशान हो रहा होगा। रजनी यहाँ पर इमली से अगली माफ़ी मांगती है। सोनाली इमली से कहती है कि तुम पेठा नगर शिफ्ट हो जाओ और यहाँ पर कभी मत आना क्योंकि हमारी फैमिली सिर्फ तुम्हें प्रॉब्लम ही देती है। दादी कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार हमें माफ़ कर दो। और वो दादी को कहती है गट्टू के लिए हमें माफ़ कर दो। इमली रोती है और कहती है दादी ऐसा मत बोलिए। और दादी भी यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाती है, यानी कि इमली से सब माफ़ी मांगते हैं। दादी कहती है ये घर ये परिवार तेरे बिना इनकम्प्लीट है और तू मेरी यहाँ पर बहू है और गृह प्रवेश तेरा हम करवाएंगे, इसलिए इमली तुम्हें जल्दी ही घर लौटना होगा। वो कहती है सूर्या से कि तुमने इमली को गलत समझा है, इमली कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती और वो कभी गलत कम नहीं उठा सकती, तभी यहाँ पर इमली को हमें घर ले जाना होगा। सूर्या डिस्कनेक्ट कर देता है कॉल। गोविंद यहाँ पर दादी से कहता है कि सूर्या ने गुस्से में कॉल काटा है, अब आप क्या करेंगे। दादी कहती है कि सूर्या की जो दादी हैं उन्होंने पुरवनिया को कांटेक्ट किया था और हम इमली को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे। सूर्या यहाँ पर इमली से कहता है कि क्या ये तुम्हारी सैड लाइफ है, चौधरी फैमिली तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और तुम्हें एक गुड स्कूल में हम यहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाने के लिए मदद करेंगे, लेकिन मेरा क्या बताओ, मेरी अम्मा का क्या, मालती का क्या, और मैं मालती अम्मा को वाइजैग ले जा रहा हूँ और मैं एक बार फिर से अकेला हो जाऊँगा। इमली कहती है तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो लेकिन अब तुम क्या करोगे। सूर्या कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन इमली कहती है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तुम किस चोट से गुजर रहे हो लेकिन समय सब भर देगा। इमली यहाँ पर सूर्या से कहती है कि मुझे प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा। वो कहता है ठीक है, वो किचन की तरफ जाता है। तभी यहाँ पर इमली भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। घर में इमली कहती है कल 12वीं का एग्ज़ाम है और पर्चा लिखने में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। वो उसके हाथ बांध देता है और कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और वो कहती है लेकिन मैं सच में प्यासी हूँ। सोनाली यहाँ पर फैमिली को कहती है कि इमली का भी कहीं पता नहीं चला, हमें पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। रजनी कहती है इंस्पेक्टर सूर्या इमली के साथ है। शिवानी कहती है कि सूर्या ज़रूर गुस्से में इमली को चोट पहुँचा रहा होगा। दादी कहती है मैं जानती हूँ ये
पूरा मसला कैसे सुलझाना है। वो इमली की फ्रेंड को कॉल करते हैं। उसे ढूंढने के लिए सूर्या इमली के लिए पानी लाता है। इमली कहती है कि मेरे हाथ तो खोलो, पीऊँ कैसे। यही सब हो जाएगा आज रात के एपिसोड में, देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, कि क्या सूर्या यहाँ पर समझ पाएगा कि नहीं इमली सच कह रही है। वेल, फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। We'll be right back.